गांव की याद आ गई यार सैम। अब इसमें मक्खन होता ना ताजा ताजा, वो कल शाम का मक्खन पर खाने हैं तोड़ने हैं देना दोनों। मक्के की रोटी, घी और पिसा हुआ नमक आती ऐसे गोल गोल बिल्कुल पत्ती। हेलो गाइस, हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, हाय, हेलो, कैसे हो, कैसे हो? कित्ती, कित्ती। तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, हम भी मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तो अभी हम हैं अपने मायके में और मम्मी बैठे हैं वहाँ पे और अभी यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ। तो सो आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं भाई, आज भाई की ड्यूटी है, प्याज टमाटर बिल्कुल काट कूट के और स्पेशल बन रहा है आज मैक्रोनी। तो देखते हैं कैसे बनती है, जब वो बन जाएगी उसके बाद रिव्यू करेंगे इसका। तो अभी सैम आ चुके हैं और वहाँ पे अभी और तन्मय है, तन्मय छुप रहे हैं तो हम लोग कपड़े देख रहे हैं। तन्मय को नज़र लग जाएगी मुझे अभी बंदूक की भी आवाज़ आ रही है, देखा मैंने क्या कहा था, ये देखो। अरे मेरे बाबू भी आ, ओह माय गॉड, ये अभी चीनू है यहाँ पे और बहना यहाँ, वो सूट सही है यार, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कपड़ा। आजकल तो वही। हेलो हेलो हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे और मैं आज व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल पूरा दिन ऐसे ही चला गया और पता भी नहीं चला, मतलब कुछ कल कुछ बनाने का मन ही नहीं हुआ कि कल मैं व्लॉग बनाऊँ। तो अभी बस बच चुके हैं मॉर्निंग की ना, अभी बच चुके हैं मॉर्निंग की ना, तो मैं 9 बजे से अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ बहुत सुहानी धूप आ चुकी है, आप देख सकते हैं, मतलब इतनी मतलब नॉर्मल हो चुका है कि हम हाफ कपड़े भी अभी पहन सकते हैं, इतना नॉर्मल हो गया है अभी अंदर, ठंड हो नहीं रही है। और अभी मैं बंधु के वहाँ जा रही हूँ क्योंकि बंधु ने बनाया है स्पेशल ब्रेकफास्ट, मक्के की रोटी, नमक और मट्ठा, तो वो हमारे स्पेशली होता है ठंड में, इवन ठंड में स्पेशली होता है। तो हम मम्मी और अनु, सॉरी मम्मी और अभी पहले ही चले गए हैं, तो अभी मैं जाने वाली हूँ, तो मैं बस अभी बैठी थी तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों को भी ले चलूँ। तो मैं जाने लगी बंधु के घर और प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ जो भी ये व्लॉग देख रहा है प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और यहाँ पे चल रहा है जस्ट हमारे घर के पास पे चल रहा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम, इस वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी है यहाँ पे, पता नहीं है कभी ख़त्म होगा, दिवाली की वजह से अभी ये काम रुका हुआ है, नहीं तो मम्मी बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है जब कंस्ट्रक्शन चलता है। देख सकते हैं आप धूल से कितनी बुरी हालत हो चुकी है, कितना ही साफ़ करो लेकिन गाड़ियाँ जब इस रास्ते जा रही हैं तो बहुत धूल उड़ा रही हैं। अरे अभी हाँ मेरा बाबू, तो अभी और आरू यहाँ पे खेल रहे हैं, चलो चलो। और यहाँ पे ताई जी बना रहे हैं आग में मक्के की रोटी, तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे बनती है। जल गई यार, क्या करें, ये देखो तो कहाँ जल गई है इतनी बढ़िया हो रही है। अब इसमें मक्खन होता ना ताजा ताजा, वो कल शाम का मक्खन, परसों शाम का मक्खन है, लेकिन फ्रिज में भी नहीं रखा, देखती हूँ कैसा हो रहा है। वही तो मैं मक्खन शाम का मक्खन बनाऊंगी, सुपर रोटी बनाऊंगी, अभी बना दे, तू अभी है यहाँ, कब जाएगी, परसों, परसों चले जाऊंगी, गोल गोल अब मरदो की रोटी बनाएंगे, जिस दिन फिर बनाएंगे और दोबारा आएगी मरदो की रोटी बनाएंगे। सोनू भी खाता है ना मरदो की रोटी? हाँ वो तो ऐसी रोटी बहुत खाते हैं, मक्के की वो मैंने तो आजकल ही स्टार्ट किया है ये कि पेट के लिए अच्छा होता है तब तो ये हाथ से ही बन जाती है ऐसे गोल गोल, बिल्कुल पतली पतली, मतलब बिल्कुल बराबर बनानी पड़ती है, ना कहीं पे मोटा ना कहीं पे पतला, कलाकार वही तो सही बात है। आज ही क्या करने लग गए वो लोग, तो क्या क्या करेंगे, वही हो गया फिर वही।
तो सैम भी पार्टी में शामिल है हमारे, मक्का पार्टी में, मक्का की रोटी वाली पार्टी में। और फोन भी बज रहे हैं। किसका आया फोन? और अभी और यहाँ पे खेल रहे हैं ये। सो हमारा खाना यहाँ पे लग चुका है, मक्के की रोटी, घी और पिसा हुआ नमक, और यहाँ पे है तड़का लगा हुआ नमक। तो अब हम खाते हैं। तो हम लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, और नाश्ता लग चुका है। तो चलो भाई डालो मट्ठा और इंजॉय करते हैं मम्मी पार्टी। ठीक है, यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, इसको देखना। आज गांव के मट्ठे की याद आ गई, डलने लग गया मट्ठा। हाँ जो बहुत अच्छी बनी है ना, तो गाड़ी बिल्कुल कर दिया कल्याण। और कुछ दे तो। बहुत टाइम के बाद ये तड़का लगी हुई छात, और जो सैम ने बनाई है इतनी टेस्टी। ओ गॉड, गांव की याद आ गई यार सैम। बहुत टेस्टी मट्ठा, तो मैं दो तीन ग्लास पी जाती हूँ। मुझे बहुत इतनी टेस्टी वाली है ना ये। मैं हो गई बोल के क्या जवाब। तो घी खत्म होने के कगार में, और इन दोनों का पोजीशन देख सकते हो, खाने का अभी का ही है, और आरो के खाने का पोजीशन ही। और मट्ठा हमने इतना पिया कि मांगा वो वाला मट्ठा ही खत्म हो चुका है, वो फुल जग था। अभी भी खा रहा है, इसको भी टेस्ट लग रहा है। खा रहे हैं, तोड़ने हैं, देना दोनों। तो खाना हो चुका खत्म, फिर भी थोड़ी रोटियां बच गई हैं। फिर भी सैम का मन नहीं भर रहा, हमारा मन ही नहीं भर रहा है, पेट कब कब फुल हो चुका है, डकार आ चुकी है, लेकिन खाना इतना टेस्टी हो रहा है मत पूछो। नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल ये खाना, मतलब जो मार्केट में मिलने वाला खाने को ही फील कर दिया, इतना टेस्टी। मज़ा आ गया, मज़ा मज़ा मज़ा। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ये दोनों पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और बज रहा है अभी दिन का 1:30, और तो 1:30 बजे भी ये लोग चाय इंजॉय कर रहे हो। गॉड, यहाँ बात की सीटी लग रही है अंदर, बोला पहले हम चाय पियेंगे, और मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो मुझे चिड़ा चिड़ा के खाए जा रहे हैं दोनों ने। हाँ हेलो गाइस, ये आपको गाइस यम्मी, गाइस आनंद ले रहे गाइस। हम अभी बाहर धूप में बैठ के बिल्कुल मज़े में है, और अभी मेरे गोद में लेटा हुआ है, पता नहीं अभी सो के उठ के आए, तो अभी वो नहीं हो पा रहा। खाना लग चुका है यहाँ पे धूप में, सुहानी धूप, सुहाना मौसम, और खाना मम्मी और ताई जी ने खा लिया है खाना। हेलो गाइस, खा पी के एक मन ने हो गए, खा पी के धूप सेक रहे। हमारी बारी है धूप में खाना खाने की। बच्चा वाले आज फिर से नीचे बैठ के उठ चुके हैं, और बाकी बड़े लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये रात के टाइम पे चाय पी रहे हैं, वही तो रात इनका मतलब सारा बी टाइम में होता है, मतलब बस चाय बनाई। आज सीमा दी लोग भी 1:30 बजे चाय पी रहे थे, चाय एक बार सबके साथ में बैठ के चाय पी ना, खुश हो जाता है। वो तो है ही है, आज मिले नहीं करके, आज दिन भर में क्या गपशप हुई है, क्या क्या हुआ है सबके साथ। कह रही हूँ ये वही वाला घोड़ा है जो लकड़ी की काठी वाला होता है। अभी लकड़ी की काठी भी तो गाओ, लकड़ी की काठी काठी पे, अरे तीनों भाई बहनों का यहाँ पे चल रहा है गेम,